फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। दोस्तों, आज है ना मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग आइडिया। इसे बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है इस तरीके के फैब्रिक का। इसमें अलग अलग कलर के फैब्रिक है मेरे पास, और ये है ना ब्लाउज पीस का फैब्रिक है एक्चुअल में। और अगर आपके पास ऐसा फैब्रिक नहीं है और अगर इस तरीके की कोई साड़ी है, इस साड़ी में से मैंने अभी अभी एक गाउन बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना है। आप लोगों को भी पसंद आया, इसके लिए थैंक यू। सो आप इस तरीके की अगर साड़ी है तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, ये सेम इसी तरीके का एक ब्लाउज पीस है, और आपके पास कोई भी इस तरीके के ब्लाउज पीस में से थोड़ा सा बचा हुआ फैब्रिक अगर पड़ा है तो आप उसका यूज़ करके भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड है इसे बनाना, पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये। मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र बनाया है ये मेरी मम्मी को गिफ्ट किया है और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो अगर आप भी किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप जिसको भी गिफ्ट करेंगे ये उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है फैब्रिक के दो रेक्टेंगल पीस, और इसका मेजरमेंट है 10x7 इंच। एक हिस्से को अभी हम साइड में रखेंगे और इसी के साइज़ के हमें फोम और नॉन वूवन लेना है। नॉन वूवन की जगह पर आप कोई भी अस्तर ले सकते हैं। अब इन तीनों को हम सिलाई करके अटैच कर लेंगे। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में दिख रहा है उसे हम कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमें सेकंड हिस्से को भी रेडी कर लेना है। अब यहाँ ऊपर से 2 इंच पर मैं मार्क करूँगी और इसे हमें यहाँ से कट कर लेना है। अब इसी के साइज़ की 10 इंच की हम जिप लेंगे और जिप को यहाँ ऊपर उल्टा रखकर सीधी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करके हम सेकंड साइड पर इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसे दबाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। सो ये एक साइड हमारी जिप अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से हम सेकंड साइड भी जिप को अटैच कर लेंगे। सो ये इस तरीके से हमारा रेडी हो गया। अब इसी के साइज़ का एक और हमें फैब्रिक लेना है। मैंने नॉन वूवन लिया है और नीचे हम अटैच कर लेंगे। अब साइड का बॉर्डर बनाने के लिए मैंने 25x5 इंच का एक फैब्रिक लिया है और उसी के साइज़ से हमें फोम लेना है और नॉन वूवन लेना है, और इन तीनों को भी मैंने सिलाई करके अटैच करके मिडल में भी सिलाई कर ली है। अब ये 25 इंच की इसकी लेंथ थी, तो इसी के साइज़ की हम जिप लेंगे और जिप को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। अब इसे सेकंड साइड टर्न करके इसके ऊपर हमें प्रेस स्टिच भी कर लेनी है। तो ये देखिए, प्रेस स्टिच कर ली है हमें। अब हमें बॉर्डर का एक और छोटा सा हिस्सा लेना है जो कि हमें 10 इंच का लेना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके साइज़ का, और जो ऊपर का हमने 25 इंच का लिया था वो इस यहाँ पर साइड से 3 साइड का होगा, और इसका मेज़रमेंट भी हम 10x5 इंच ही लेंगे। अब जो हमने जिप लगाकर बॉर्डर रेडी किया था उसके साथ इसको भी हमें अटैच कर लेना है, दोनों राइट साइड अंदर रखते हुए। अब यहाँ ऊपर हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है और यहाँ पर जो भी साइड में बॉर्डर एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम कट कर लेंगे। अब मैंने दोनों राइट साइड अंदर की तरफ फेस करते हुए रखी है। थोड़ी सी जगह छोड़कर इस तरीके से यहाँ पर बैक साइड से मैं बॉर्डर अटैच करना स्टार्ट करूँगी। कॉर्नर पर इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर को अटैच करते जाएंगे। अगर आपका बॉर्डर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप यहाँ पर इसे कट कर दीजिए। हमेशा 1-1/2 इंच आप बॉर्डर को ज़्यादा रखें ताकि हम बाद में कट कर सकते हैं। अब इसे भी मैं यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करके दोनों बॉर्डर को जॉइंट कर लूँगी यहाँ पर, और प्रेस स्टिच भी कर लूँगी।
अब यहाँ पर भी कॉर्नर पर भी हम इसे अटैच कर लेंगे। सो देखिए ये हमारा पूरा बॉर्डर यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो चुका है। अब हम सेकंड हिस्से को लेंगे और उसे भी इस तरीके से बराबर से रखते हुए पूरे में सिलाई करके अटैच कर लेंगे। सो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये हमारा अटैच हो चुका है। अब हम रनर के पास से जिप को ओपन करेंगे और इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। अब जिप के पास से देखिए इस तरीके से हम इसे दबाएंगे जिप को और यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पूरे में मैंने प्रेस स्टिच कर ली। अब नीचे की साइड भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मेरी कुछ चीज़ों को रख कर दिखाया है, आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कामों के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये। आप इसका इस्तेमाल ट्रैवलिंग के लिए भी कर सकते हैं और भी कई सारी छोटी बड़ी चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।